साइकोलॉजी की बात करेंगे, इन दोनों चैप्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंटेलिजेंस को डिफाइन कर लेते हैं। वैसे तो इंटेलिजेंस इट्स सच अ कॉमनली यूज्ड टर्म कि इसको डिफाइन करना इतना आसान नहीं है, तो हर साइकोलॉजिस्ट इसको डिफरेंट तरीके से डिफाइन करता है। अभी हम जब थ्योरीज पढ़ेंगे इंटेलिजेंस की तो आपको नजर आएगा किस तरह से साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस इज स्लाइटली डिफरेंट। ओवरऑल तो उसकी कॉन्टेक्स्ट तो ऑफकोर्स सेम होती है, लेकिन डेफिनेशन वेरी करती है थोड़ी थोड़ी। हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इस वाली सिंपल की डेफिनेशन से कि इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज सर्टेन पर्सनल एट्रीब्यूट्स दैट सेंटर अराउंड स्किल एट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अडैप्टिंग टू न्यू और चेंजिंग एनवायरनमेंट्स। यानी कि इसमें किसी ना किसी तरह की स्किल की बात की जा रही है कि कोई इस तरह की प्रोडक्टिव स्किल्स दैट हेल्प यू इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो आई गॉट अनम्यूटेड। अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे इंटेलिजेंस की, कि कोई इस तरह की सिंगल डेफिनेशन तो नहीं है। अभी हम थ्योरीज में भी जाके ये डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। तो इट इज बेसिकली द स्किल ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड यूटिलाइजिंग दैट इंफॉर्मेशन प्रोडक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे आप प्रोडक्टिव का भी एक वर्ड ऐड कर लो। ठीक है, फिर इंटेलिजेंस के तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज abstract thinking or reasoning abilities, problem solving abilities, and then the capacity to acquire knowledge. ठीक है, तो जब भी आप intelligence को define करें, पहले तो आप थोड़ा सा ये mention कर दें कि it's such a complex term या it's such a complex concept कि जो theorist है वो भी differ करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये एक general सी definition intelligence की लिख दी, and then you can mention the characteristics of intelligence और उसकी थोड़ी सी आप एक्सप्लेनेशन दे दें कि इट्स द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम वन्स एक्सपीरियंसेस। ठीक है, इट इंक्लूड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, अडैप्टिंग टू न्यू सिचुएशंस, अक्वायरिंग नॉलेज जो भी मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया। ठीक है, यूज योर रिसोर्सेज इफेक्टिवली, रिसोर्सेज एज एन इंफॉर्मेशन, आपकी फाइव सेंसेस, आपकी परसेप्शन, आपकी मेंटल एबिलिटीज, यानी जो साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज है, ये वो मॉनिटरी रिसोर्सेज या उस सेंस में बात नहीं हो रही है। ठीक है, टू यूज योर रिसोर्सेज इफेक्टिवली। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक जनरल डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस में आ जाती हैं। और जैसे हम लोग फिजिकल एबिलिटीज की बात करते हैं कि सर्वाइवल के लिए वो यूज की जाती है, तो ये जो इंटेलिजेंस की एबिलिटीज है दे आर ऑल्सो यूज फॉर सर्वाइवल, बट सर्वाइवल इन द कल्चर। ठीक है, इन योर डेली लाइफ। ठीक है, तो ये जो सारे एस्पेक्ट्स हैं, यू कैन यूज दीज एस्पेक्ट्स टू एक्सप्लेन इंटेलिजेंस एंड एक्सप्लेन हाउ दिस इज अ जनरल डेफिनेशन। के जैसे डेली लाइफ में भी हम लोग बात करते हैं कि क्या गुड ग्रेड्स इंटेलिजेंस है, या फिर इज फाइनेंशियल सक्सेस इंटेलिजेंस, या सोशल सक्सेस, क्या ये आपका माशरे में बड़ा नाम होना ये इंटेलिजेंस है। तो हम थ्योरीज में भी अभी डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस के काफी डिफरेंट फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहली थ्योरी हमने डिस्कस करनी है स्पीयरमैन्स जी फैक्टर। ठीक है, यू विल नोटिस कि ये वाली जो थ्योरीज हैं ये इंटेलिजेंस के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने की कोशिश करती है कि इंटेलिजेंस होती क्या है। तो चार्ल्स स्पीयरमैन एक बंदा था, 1904 में इसने इंटेलिजेंस को डिफाइन किया। इसने कहा कि दो डिफरेंट एबिलिटीज होती है, एक एबिलिटी को उसने जी का नाम दे दिया और एक को एस का नाम दे दिया। जी इज फॉर जनरल एंड एस इज फॉर स्पेसिफिक। ठीक है, तो उसने कहा कि जनरल इंटेलिजेंस होती है जिसमें टास्क रिलेटेड इंटेलिजेंस होती है, या टास्क स्पेसिफिक कह लो। ठीक है, आपको टास्क करें, फॉर एग्जाम्पल यू आर रनिंग अ बिजनेस, तो आपकी जो बिजनेस रन करने की इंटेलिजेंस है, फॉर एग्जाम्पल यू मेक म्यूजिक, या आप कोई आर्टिस्ट हो, तो वो जो आपकी सारी इंटेलिजेंस है ना, द एबिलिटी टू रीजन, सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर टास्क, वो सारी आ जाती है जनरल इंटेलिजेंस वाले फैक्टर में। ठीक है, इट्स कॉल्ड जनरल इंटेलिजेंस या फिर जी। और फिर ये वाली जो इंटेलिजेंस का फैक्टर है ना, ये जो कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट है उनके ऊपर हमें नजर आता है, या ट्रेडिशनल आई क्यू टेस्ट।
या ट्रेडिशनल डेफिनेशंस ऑफ आईक्यू के साथ ये वाला फैक्टर कोरिलेट करता है। ठीक है, फिर स्पीयरमैन ने एक और दी एस वाली, ठीक है, उसने कहा कि एस इज अनदर फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस विच इज लाइक अ ग्रुप ऑफ स्पेशल एबिलिटीज। ठीक है, एस से स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। ठीक है, इसमें कुछ स्पेसिफिक एबिलिटीज हैं जो कि जनरल इंटेलिजेंस के साथ साथ चल रही होती हैं। तो इस तरह से उसने एक प्रॉपर स्टैटिस्ट यूज की और लोगों के ऊपर रिसर्च की और फिर कंक्लूड किया कि कुछ लोगों की स्पेसिफिक एबिलिटीज होती हैं और फिर एक कुछ जो है ना ग्रुप ऑफ एबिलिटीज हैं जो कि जनरल एबिलिटीज हैं। ठीक है, और उसने फिर इन दोनों एबिलिटीज को जो ना एक सिंगल एबिलिटी के अंदर ग्रुप कर दिया। ठीक है, लेकिन फिर इससे हम आगे थोड़ी सी और भी इंटरेस्टिंग फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस या थ्योरीज पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हम अगली पे चलते हैं जो गार्डनर वाली है। ठीक है, लेट्स डू दिस वन फर्स्ट और फिर पिछली वालों पे वापस आते हैं। जब आप ये वाली थ्योरी अंडरस्टैंड करोगे तो आपको इंटेलिजेंस का यू विल हैव अ बेटर व्यू ऑफ इंटेलिजेंस। कोई 1900 के एंड की बात है, अब इन थ्योरी 1999 कर लो। ठीक है, इन थ्योरीज की टाइमिंग आपको थोड़ी सी इनकी जो कब आएंगे थोड़ा सा जहन में होना चाहिए ताकि आप लोग फिर समझ सको कि किस तरह से थ्योरिस्ट ने जो ना बिल्ड अपॉन किया ऑन द प्रीवियस थ्योरीज। तो इस बंदे का नाम था हॉवर्ड गार्डनर। इसने प्रपोज किया कि इंटेलिजेंस की जो ना काफी ढेर सारी टाइप्स होती है, जैसे कुछ लोगों का रीजन या लॉजिक या उनकी नॉलेज अच्छी होती है, लेकिन ये सिर्फ एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है। ठीक है, तो उसने जो ना मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दी, उसकी थ्योरी का नाम ही है मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। ठीक है, तो उसने प्रॉपर जो ना साइंटिफिक स्टडीज की और फिर ही केम टू द कंक्लूजन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस होती हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, इसमें जो मैथमेटिशियंस होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं दे आर गुड एट दिस वन, के वो लॉजिकली सोच सकते हैं, दे कैन थिंक लॉजिकली रैशनली, दे एबल टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, दे कैन हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग। ठीक है, तो अब ये हम पढ़ रहे हैं ना, तो आप साथ साथ सोचते जाओ कि आप किस इंटेलिजेंस के ऊपर लाए करते हो या आपके कोई जानने वाला किस इंटेलिजेंस के ऊपर लाए करते हैं, देन यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट के different types of intelligence, and just because somebody is not good at math is not intelligent. ठीक है, जो हमारी traditional concept है ना, इसको थोड़ा सा challenge करता है, और फिर this will also help you appreciate कि किस तरह parents भी बच्चों के अंदर comparison करते हैं कि इस बच्चे के grades अच्छे आते हैं तो इस तरह ये बच्चा intelligent है, नहीं जो बच्चा arts में बहुत अच्छा है वो भी intelligent है according to Gardner, उसकी intelligence की type different है, उसको भी अभी हम discuss करते हैं। अब linguistic intelligence एक और type of intelligence है, इसको verbal intelligence भी कहते हैं। This is the ability to use language, ठीक है, या sounds, rhythms, meanings of words, ठीक है, तो जो language के different aspects है ना, तो ये उन लोगों के अंदर जैसे writers या poets या journalists या speakers, उन लोगों के अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस या वर्बल इंटेलिजेंस हाई होती है। तो आई एम श्योर यू नो समबडी हु इज वेरी गुड एट स्पीकिंग, एलोक्वेंट स्पीकर्स जो होते हैं तो उनके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस हाई होती है। फिर होती है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, नाम से पता चल रहा है कि द एबिलिटी टू कंपोज म्यूजिक, प्रोड्यूस, अप्रिशिएट रिदम, पिच, ठीक है, टिम्बर। तो जो म्यूजिकल एक्सप्रेसिवनेस लोगों की होती है, जैसे कि म्यूजिशियंस में होती है, कंपोजर्स, वायलिनिस्ट, ठीक है, सिंगर्स में जो होती है, तो बेसिकली ये जो म्यूजिशियंस होते हैं वो सिर्फ म्यूजिकल नोट्स को समझ नहीं सकते, वो उनको परफॉर्म भी कर सकते हैं, प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, कंपोज भी कर सकते हैं। तो अगेन दिस इज अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। फिर स्पेशल इंटेलिजेंस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें इट इज रिलेटेड टू योर विजुअल स्पेशल कैपेसिटीज। ठीक है, आप स्पेस में किस तरह चीजों को इमेजिन कर सकते हैं, जैसे स्कल्प्टर्स होते हैं या नेविगेटर्स होते हैं, दे एबल टू यूटिलाइज देयर विजुअल स्पेशल एबिलिटीज और वो चीजों को इमेजिन कर सकते हैं। फिर एक और टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है, इट्स कॉल्ड बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इसमें अपनी बॉडी मूवमेंट्स को, चीजों को स्किलफुली हैंडल करना, ठीक है, डांसर्स में ये वाली इंटेलिजेंस हाई होती है कि वो अपनी बॉडी के मोशंस को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। एथलीट्स में भी हाई होती है ये वाली इंटेलिजेंस। फिर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस,
Interpersonal intelligence is a type of intelligence where you can understand other people's emotions, you can understand their motivations, ठीक है, दूसरों के लिए you're sensitive to their needs, ठीक है, जैसे psychologist या therapist हो गया, even sales persons में भी interpersonal intelligence होती है, ठीक है. तो अब ये वाली जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है यू मस्ट अप्रिशिएट देम, बिकॉज लेट्स से अगर कोई सेल्स पर्सन की हायरिंग हो रही है तो जो एम्प्लॉयर है वो कोशिश करेगा कि उस इंसान की इंट्रोपर्सनल इंटेलिजेंस हाई हो, ठीक है, या उसकी लिंग्विस्टिक एबिलिटीज अच्छी हों, ठीक है. सिमिलरली इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस इज अबाउट यू, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग योर ओन इमोशंस एंड हाउ योर इमोशंस कैन गाइड actions, ठीक है. तो जो people oriented careers होते हैं उनके अंदर intrapersonal intelligence higher होती है, ठीक है, क्योंकि उनका काम ही लोगों के साथ है. तो जब तक वो अपने आप को नहीं समझ सकते या अपने emotions को नहीं समझ सकते, अपने moods, temperaments उनको समझ नहीं सकते हैं, तब तक वो दूसरों को help नहीं कर सकते हैं, ठीक है. फिर एक और intelligence की type है naturalist intelligence, ठीक है. This is related to nature. नाम से पता चल रहा है कि नेचर में जो patterns हैं उनको recognize करना, identify करना, categorize करना. तो जो biologists होते हैं या naturalists होते हैं, farmers, botanists, ठीक है, यहाँ पे add करते जो और examples, ठीक है, farmers, तो इन सबकी naturalistic intelligence ज्यादा high होती है, ठीक है. एक और बाय द वे एक और इंटेलिजेंस होती है जो यहाँ नहीं लिखी हुई, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, ये भी गार्डनर ने ही दी थी, ठीक है. इस इंटेलिजेंस, इस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस पे जो फिलोसफिकल थिंकर्स होते हैं ना उनमें ये इंटेलिजेंस ज्यादा हाई होती है, फिलोसफर्स लिख लेते हैं, ठीक है, कि दे कैन आस्क फिलोसफी रिलेटेड क्वेश्चंस अबाउट लाइफ, डेथ, ह्यूमन एग्जिस्टेंस, व्हाई डू ह्यूमंस एग्जिस्ट, ठीक है, हमारे ओरिजिन्स क्या थे, हमारा एंड क्या होगा, ठीक है, यानी कि दे आर एबल टू सी दैट बिग पिक्चर अबाउट द वर्ल्ड एंड दे कैन आस्क दोज बिगर क्वेश्चंस बिगर देन लाइफ, ठीक है. तो ये हमारी कुछ टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हैं जो गार्डनर ने दी. अब यहाँ पे आप लोग इसको थोड़ा सा अप्लाई करो और सोचो. नवीद का क्वेश्चन है, हाउ कैन वन नो वन सेल्फ मैम. अच्छा क्वेश्चन है नवीद. देखें इसमें आपके इमोशंस को आप समझ सकते हैं कि आपके किस तरह के इमोशंस हैं या आपका किस तरह का टेम्परमेंट है या आपका लिस्ट से बहुत ज्यादा एकदम से गुस्सा चढ़ जाता है. तो डू यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड कैन यू कंट्रोल योर इमोशंस. अभी हम ईक्यू पढ़ेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस, तो वहां पे भी ये वहां से भी रेलिवेंट है कि आपके खुद के मूड्स, आपकी खुद की थॉट्स, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, आपकी खुद की डिजायर्स किस तरह की हैं और उनको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो, मैनेज कैसे कर सकते हो, ठीक है. तो ये हो गई
कि अगर क्रिटिकल इवेल्युएशन की तरफ जाओ तो एक तो इसमें जो ना जो एजुकेशनिस्ट्स हैं एजुकेटर्स उनको ये ऑब्वियसली बहुत अपील करती है, जो मैंने बात जहाँ से शुरू की कि क्लास में हर बच्चा सेम नहीं होता, हर बच्चे की इंटेलिजेंस डिफरेंट होती है, एंड जस्ट बिकॉज समबडी डजंट गेट गुड ग्रेड्स डज नॉट मीन दैट इज नॉट इंटेलिजेंस. तो जो टीचर्स या एजुकेटर्स होते हैं उनको ये चीज़ हेल्प करती है हमेशा कि हर बच्चा इंटेलिजेंट है और किस तरह से हर बच्चे की इंटेलिजेंस को समझना है और फिर उसको हेल्प करना है टू ग्रो दैट स्किल. ठीक है, लेकिन फिर कुछ क्रिटिक्स कहते हैं इसका एक स्ट्रेंथ हो गया और फिर एक वीकनेस और फिर एक और भी स्ट्रेंथ लिख लो कि दिस डिवाइड्स द इंटेलिजेंस इनटू डिफरेंट काइंड्स और जो ट्रेडिशनल हमारा व्यू है उसको ये बिल्कुल चैलेंज करता है. ठीक है, और फिर इसकी एक सॉर्ट ऑफ वीकनेस है कि क्रिटिक्स कहते हैं कि जरूरी तो नहीं कि हर इंसान के पास जो ना ये वाली एबिलिटी सिर्फ इनमें से एक एबिलिटी हो, जरूर ये भी तो हो सकता है कि हर इंसान के पास इसमें से हर में से थोड़ी थोड़ी हो. तो इस तरह से कुछ क्रिटिक्स इसको चैलेंज भी करते हैं, बट ओवरऑल दिस थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस बाय गार्डनर इज वेरी यूजफुल. ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस करना है एक और थ्योरी स्टर्नबर्ग की, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ट्राइपार्किक थ्योरी. ठीक है, तो ये वाली जो स्टर्नबर्ग की थ्योरी कहती है कि ये भी उसने सिमिलर टाइम्स में दी थी, कोई 8-10 साल पहले, तो यू कैन राइट 1988 में तकरीबन, और फिर उसने बाद में उसको रिवाइज भी किया था, तो 1980s टू 90s कर लो, लेट्स नॉट बी स्पेसिफिक क्योंकि थ्योरी एक दफा देके खत्म तो नहीं हो जाती, ये थ्योरिस्ट उसको रिवाइज भी करता. खैर, ये जो ट्रायार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस थी, ट्रायार्किक लव्स का मतलब है ना थ्री, तो इसमें थ्री हम लोग फॉर्म्स डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस की. उसमें सबसे पहली है एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल. तो स्टर्नबर्ग ने कहा कि ये तीन टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है. एनालिटिकल इंटेलिजेंस, इसकी डेफिनेशन साथ साथ लिखते जाओ, कि इट इज द एबिलिटी टू ब्रेक डाउन प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड सॉल्व देम. ठीक है, या सिर्फ एक वर्ड भी लिख लो, प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, या योर एनालिटिकल एबिलिटीज या योर क्रिटिकल एनालिसिस. ठीक है, तो ये आ जाता है एनालिटिकल इंटेलिजेंस. ठीक है, फिर उसके बाद क्रिएटिव इंटेलिजेंस, नाम से ही पता चल रहा है, टू बी एबल टू डील विद न्यू और डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. इसको डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं. ठीक है, कि एक प्रॉब्लम है लेकिन आप उसके लिए नए नए तरीके ढूंढ लें उसको सॉल्व करने के लिए. ठीक है, जो नॉवल्टी भी इसमें साथ ऐड कर लो. ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, नॉवल्टी, ये सारे उसके कॉम्पोनेंट्स है, उसको एक्सप्लेन करते हुए यू कैन यूज दीज वर्ड्स. एक और बहुत इंटरेस्टिंग टाइप है स्टर्नबर्ग ने जो दी, इसका नाम है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस. जैसे स्ट्रीट स्मार्ट लोग होते हैं ना, जैसे अगर आप कहीं फंस जाएं तो आपको क्या करना है. ठीक है, आप कहीं रास्ते में फंस जाएं या आपकी रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, हाउ टू यूज एनी इंफॉर्मेशन एंड एंड गो ऑन इन लाइफ. ठीक है, तो टैक्टिक्स क्या होने चाहिए, या किसी से बात करने के लिए किस तरह से आपको इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करना है या सिचुएशन को मैनिपुलेट करना है टू योर ओन एडवांटेज. ठीक है, तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस पाकिस्तानीज में अक्सर आप लोगों ने नोटिस किया होगा हाई होती है, तो इसकी आप लोग साथ साथ एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो कि एनालिटिकल इंटेलिजेंस में लेट्स से कोई फिजिक्स का क्वेश्चन है, उसको अगर कोई बहुत अच्छे से फिजिक्स, मैथ्स का क्वेश्चन या स्टैट्स का क्वेश्चन कोई अच्छे से सॉल्व कर सकता है तो उसकी जाहिर है एनालिटिकल इंटेलिजेंस इज हायर. फिर क्रिएटिव इंटेलिजेंस में आर्ट से आप एग्जाम्पल दे सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग से दे सकते हो, या कोई एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है तो उसका कोई जो है यूनिक सा डिजाइन हो. फिर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में कोई इस तरह का इशू आ सकता है कि the use of creativity and practical knowledge, contextual knowledge जिसको हम कहते हैं. ठीक है, contextual knowledge. ठीक है, कि वो अपनी जो भी उनकी knowledge है ना, they can apply it to real world situations, ये भी बीच में अपने पास add कर लें. ठीक है, तो स्टर्नबर्ग ने ये जो तीन types of intelligence थी तो उसने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से इंटेलिजेंस के जो ना ये तीन एंगल्स हैं.
एनालिटिकल, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल, और फिर इस तरह हर किसी की कोई ना कोई इंटेलिजेंस इसमें से होगी, ठीक है? अगर कोई किसी की प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस हाई है तो जरूरी नहीं कि वो एकेडमिक सेटिंग्स में या यूनिवर्सिटी स्कूल में भी वो उसके अच्छे ग्रेड्स हैं, ठीक है? सिमिलरली अगर किसी की एनालिटिकल इंटेलिजेंस हाई है तो शायद उसके एकेडमिक्स बहुत अच्छे हों, लेकिन वो रियल लाइफ, रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में वो फंस जाए, ठीक है? तो ये वाली भी जो थ्योरी है स्टर्नबर्ग की, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की ट्रायार्किक थ्योरी, इसमें भी यूजफुल एक डेफिनेशन आपको मिल जाती है कि इंटेलिजेंस के किस तरह से डिफरेंट टाइप्स उसने दिए, ठीक है? उसके बाद ये इसका डायग्राम है स्टर्नबर्ग की थ्योरी का, ठीक है? यू कैन मेक दिस डायग्राम इन योर एग्जाम, ट्रायंगुलर शेप में है तो इट एम्फसाइजेस कि ट्रायार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं, एक तो मैंने डायग्राम शिफ्ट किया ना तो मेरा सारी टेक्स्ट मैसअप हो गई है। अच्छा, हमने गार्डनर की पढ़ ली, स्टर्नबर्ग की पढ़ ली, स्पीयरमैन की पढ़ ली, ठीक है? दिस इज अ क्विक समरी जो अभी तक हमने सारा कुछ पढ़ा है। साइकोमेट्रिक्स, रिमेम्बर हम लोगों ने जब असेसमेंट वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें ये हमने सारी डिस्कस की थी, साइकोमेट्रिक वाली थ्योरी, ठीक है? तो उसको आप थोड़ा सा जहन में रखो कि किस तरह से जब हमने किसी भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को मेजर करना होता है या इंटेलिजेंस को मेजर करना होता है तो किस तरह से टेस्ट डिजाइन किए जाते हैं, और वो टेस्ट जो हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट जो हैं वो रिलायबल होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए, वो एक्चुअली इंटेलिजेंस को ही मेजर कर रहे हो, किसी और चीज को मेजर ना कर रहे हो। तो अगेन साइकोमेट्रिक्स इज एन अप्रोच ऑफ स्टडीइंग इंटेलिजेंस, ठीक है? अभी हम लोग कुछ इंटेलिजेंस टेस्ट को भी डिस्कस करेंगे तो वहां से भी आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है? फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, ये भी एक अप्रोच है टू अंडरस्टैंड इंटेलिजेंस। इसमें इंटेलिजेंस को द मेथड इज के इंटेलिजेंस इज एग्जामिन्ड बाय डिस्कसिंग द मेंटल ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन इंटेलिजेंट बिहेवियर, ठीक है? इंफॉर्मेशन को आप किस तरह से प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, ये उससे रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज इन्वॉल्व होती हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मैथ्स का क्वेश्चन करना है तो उसमें आप किस तरह की मेंटल एबिलिटीज की जरूरत है, ठीक है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के साथ आप लोग, आई थिंक ये ऊपर मैंने लिखा भी हुआ था, हाँ यहाँ पे, कि इसमें आप डिस्कस कर सकते हैं कि अटेंशन का क्या रोल है, ठीक है? मेमोरी का क्या रोल है इन इंटेलिजेंट बिहेवियर, हाउ डू यू थिंक, हाउ डू यू रिमेम्बर थिंग, ठीक है? आपके क्या मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं? तो नाम से पता चल रहा है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट इस चीज को डिस्कस करते हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस आप जिस तरीके से करते हैं वो आपकी इंटेलिजेंस को हेल्प करता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हर कोई जो है इसको डिफरेंट तरीके से, इंफॉर्मेशन को डिफरेंट तरीके से प्रोसेस करता है, ठीक है? उसके मेंटल प्रोसेसेस डिफरेंट होते हैं, लिहाजा उसका जो प्रोडक्ट होगा उन मेंटल प्रोसेसेस का, जो इंटेलिजेंस है वो भी डिफरेंट होगी, ठीक है? कुछ जैसे हम कहते हैं ना, ये बहुत बंदा बहुत तेजी से सोच लेता है, फास्टर ब्रेन्स, ठीक है? तो या इस बंदे को चीजें बहुत जल्दी से याद रह जाती हैं, ठीक है? या उसकी जो थिंकिंग है वो एरर फ्री होती है, लॉजिकली सोच सकता है ये इंसान। तो इस तरह से जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है वो यही कहता है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी हर किसी की डिफरेंट होती है, और फिर जो इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट है या इंटेलिजेंस है वो भी डिफरेंट होती है, ठीक है? अब हम आ जाते हैं, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है इन्फ्लुएंसेस ऑन आईक्यू, ठीक है? आपकी आईक्यू इज योर इमोशनल इंटेलिजेंस क्वोशेंट, आपकी इंटेलिजेंस को क्या क्या चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं, व्हाट डिसाइड्स योर इंटेलिजेंस, ठीक है? तो इसमें जेनेटिक्स का रोल आ जाता है, जाहिर है हम लोगों ने जो नेचर नेचर शुरू में ही पढ़ लिया था पर्सपेक्टिव्स के साथ, तो नेचर में हम बात करते हैं या जेनेटिक्स में बात करते हैं कि योर जेनेटिक्स, योर जीन्स, आपके पेरेंट्स कितने इंटेलिजेंट है, दैट प्लेज अ रोल इन योर इंटेलिजेंस, ठीक है? तो इसकी जो एग्जाम्पल है या इसकी जो एविडेंस है उसमें आप ये कह सकते हैं कि रिसर्चर्स ने नोटिस किया कि जो सिबलिंग्स एक ही जगह रेज किए जा रहे हैं उनकी इंटेलिजेंस भी सिमिलर होती है, ठीक है? और फिर एनवायरनमेंट का भी जाहिर इफेक्ट होता है, क्योंकि जो एनवायरनमेंटल सिचुएशंस है दे इंटरैक्ट विद योर जीन्स, ठीक है? लेट्स से अगर कोई किसी के पेरेंट्स बहुत इंटेलिजेंट थे
लेकिन उस इंसान को मौका ही नहीं मिला कि वो अपनी इंटेलिजेंस को इंक्रीज कर सके, यानी कि उसका एनवायरनमेंट बहुत, लेट्स से वो पुअर बैकग्राउंड से आता है और उसको कोई इस तरह के अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, तो फिर जाहिर है उसकी इंटेलिजेंस भी हाई नहीं होगी, एग्जिबिट ही नहीं हो सकेगी, चाहे उसकी जीन्स में भी हो। तो अगेन एनवायरनमेंट इज इम्पोर्टेंट, इसमें न्यूट्रिशन, मेडिकल केयर, सेंसरी एंड इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, इंटरपर्सनल रिलेशंस विद योर टीचर्स, विद योर फैमिली, ठीक है, इन्फ्लुएंसेस ऑन मोटिवेशन, ये सारी आ जाती है एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, तो अगर सवाल है इंटेलिजेंस की थ्योरीज के ऊपर, तो आप इस चीज को भी मेंशन कर सकते हो कि इन्फ्लुएंसेस ऑन आईक्यू क्या होते हैं, ठीक है, और इसकी एग्जांपल दे सकते हो कि क्लासरूम में किस तरह से स्टूडेंट्स के साथ डील किया जा रहा है, या उनको किस तरह से एकेडमिकली उनको हैंडल किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें इंटेलिजेंस को अफेक्ट करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। यहाँ तक किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज आस्क। अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली ये बंदा है डैनियल गोलमैन, इसने दिया था ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस की हमने कुछ थ्योरीज भी डिस्कस करना है, उसको आईक्यू से कंपेयर भी करना है, और फिर ये भी डिस्कस करना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या सिविल सर्वेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होती है या नहीं होती है, ठीक है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं। तो आपको डैनियल गोलमैन का नाम याद रखने की जरूरत है, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यूज ऑल्सो। इसने बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस के चार कॉम्पोनेंट्स दिए थे, ठीक है। सबसे पहले है accurate perception and expression of your emotions. If you're feeling upset, can you express yourself properly? Can you explain to other people that you're upset? And can you explain why you're upset about something? ठीक है, यानी कि properly अपने जो भी आपकी feelings हैं, emotions हैं, उनको समझना पहले खुद के, अच्छा अगर मेरा mood इतना low है तो वो low क्यों है, ठीक है, उसको analyze करना और फिर उसको express करना, ठीक है। तो emotional intelligence is all about how you manage and handle your emotions, ठीक है। The ability to access and generate emotions, कि अगर आपको कोई चीज खुशी दे रही है तो you know how to express your happiness, ठीक है। तो ये भी एक it's a mental ability how you deal with your emotions, ठीक है। आपकी emotional knowledge क्या है, ठीक है, understanding of emotions के साथ you can write emotional knowledge, ठीक है। For example, अगर कुछ लोगों को किसी बात पे jealousy हो रही हो, ठीक है, वो उसको अक्सर एंगर में एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। लेट्स से आपको अपने बहन भाइयों से किसी बात पे जेलसी हो रही है, तो इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा आई एम जेलस अबाउट दिस, यू एक्सप्रेस इट इन एंगर, आप उस छोटे बहन भाई के ऊपर गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और फिर अगर आपसे कोई पूछे कि तुम्हें हुआ क्या है, तो यू कैंट इवन अंडरस्टैंड कि व्हाट यू आर एंग्री अबाउट, ठीक है। तो ये सारी चीजें इमोशनल रेगुलेशन में भी आ जाती हैं। तो इस तरह से गोलमैन ने ये चार कॉम्पोनेंट्स दिए emotional intelligence ke. To research kehti hai ki people who have a higher level of emotional intelligence tend to be healthier both psychologically and physically. Unki psychological health bhi achhi hoti hai aur physical health bhi achhi hoti hai, theek hai. Aur phir kuch aur bhi components hai emotional intelligence ke, unko bhi discuss kar lete hain. Emotional intelligence ke components, isme ek important component hai self awareness, being able to recognize and understand your own emotions. Again, ये पिछले वालों से similar है, लेकिन एक और theorist ने दिया था, तो ये इसको हम एक theory की तरह discuss कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें आपकी self awareness में, तो आपके खुद के बारे में, आपके खुद के experiences और social interactions, उनमें आप aware हैं अपने emotions के बारे में, are you able to track your emotions and notice your emotional reaction? फिर एक और कॉम्पोनेंट है सेल्फ रेगुलेशन, अगेन पिछले वाले में भी ये था, सेल्फ रेगुलेशन में कोपिंग विद इमोशंस, ठीक है, अपने इमोशंस का अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन करना अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्म्स, ठीक है, कि अगर आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हों लाइफ में तो आपने उनको कैसे हैंडल करना है, या आपने स्ट्रेस को किस तरह हैंडल करना है, ये सारे इमोशनल रेगुलेशन में आ जाते हैं। नवीद अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को, उसके बेसिक कॉम्पोनेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं,
अभी हम इमोशनल इंटेलिजेंस को पढ़ रहे हैं तो आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस सिविल सर्विस को तो छोड़ें, आपके सीएसएस की तैयारी में कितनी इंपॉर्टेंट है. इट्स अ स्ट्रेसफुल जर्नी, ठीक है, इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी. तो उसमें आपकी खुद की सेल्फ इमोशनल रेगुलेशन, हाउ फ्लेक्सिबल आर यू, ठीक है, इफ थिंग्स डोंट गो योर वे, या खुदा ना खास्ता कोई फेल हो जाए एग्जाम में, तो वो किस तरह से कोप करता है विद दिस चेंज, और इस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कैसे करता है. कोई टेंस या डिफिकल्ट स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हो तो उनको किस तरह से डील करता है, ठीक है, और अपने अपने आप को किस तरह से मैनेज कर पाते है अगर कोई फेलियर का फेस करे. फिर एक और है सोशल स्किल्स, जो पिछले में कॉम्पोनेंट नहीं था. सोशल स्किल्स, जाहिर है इमोशंस की जब बात आती है तो एक तो हमारी खुद के इमोशंस होते हैं, और वो इमोशंस तब बनते हैं व्हेन वी इंटरैक्ट विद अदर पीपल. तो इंटरैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. और फिर सोशल स्किल्स में आ जाते हैं ना, जैसे एक सोशल स्किल है एक्टिव लिसनिंग, ठीक है, अगर आप किसी की बात बहुत ध्यान से एक्टिवली सुन रहे हो तो जाहिर है आपकी उसके साथ इंटरेक्शन डिफरेंट होगी, और फिर इंटरेक्शन से रिजल्टिंग इमोशंस भी डिफरेंट होंगे, ठीक है. फिर एक और कंपोनेंट है एम्पथी का. एम्पथी इज बेसिकली बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड हाउ अदर पीपल आर फीलिंग, ठीक है, एग्जैक्टली उनके शूज में खड़े होकर यू कैन अंडरस्टैंड कि वो किन फीलिंग से गुजर रहे हैं, ठीक है. तो जो इमोशनल इंटेलिजेंट लोग होते हैं, दे आर एबल टू एम्पथाइज विद अदर पीपल, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड प्रॉपरली, रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, कि अगर कोई बुरी सिचुएशन से गुजर रहा है तो दे नो जस्ट व्हाट टू से. होते हैं ना कुछ लोग कि आप उनसे जाके बात करो तो यू फील रिलैक्स्ड इवन दो द सिचुएशन इज द सेम, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी सही बात कर दी होती है. और फिर कुछ लोग होते हैं दे जस्ट आरंट एबल टू एम्पथाइज विद यू, और वो कहते हैं नहीं यार गेट ओवर इट, कोई इतनी भी बुरी सिचुएशन नहीं है, मेरे साथ तो लाइफ में इतनी बुरी सिचुएशंस हुई हुई, और वो खुद की अपनी एग्जांपल्स सुनाना शुरू हो जाते हैं, दे डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू. तो एम्पथी एक इमोशनल इंटेलिजेंस का अगेन एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है. और एक आखिरी कॉन्सेप्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस में वी कैन रिलेटेड विद मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन स्पेशली, हमने पढ़ा था ना कॉन्सेप्ट इंट्रिंसिक मोटिवेशन का. इंट्रिंसिक मोटिवेशन में ये होता है कि इंसान अपनी खुद की पर्सनल नीड्स, खुद के गोल्स को जो अचीव कर सकता है, यानी उसकी ड्राइव क्या है खुद के नीड्स को अचीव करने में, एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल रिवॉर्ड जो कि मनी या फेम हो सकता है. तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो लोग इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं वो लाइफ में एक फ्लो के साथ जा रहे होते हैं, ठीक है, और फिर वो अपने गोल्स को भी अचीव करना चाहते हैं. तो ये भी एक इमोशनल इंटेलिजेंस है, आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि अगर आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हैं तो आपकी जाहिर इमोशनल इंटेलिजेंस भी अच्छी है, यू आर थिंकिंग अबाउट हाउ यू कैन अचीव योर ओन गोल्स, ठीक है. तो आप अगर इमोशनल इंटेलिजेंस पे सवाल है तो यू कैन एक्सप्लेन के किस तरह से डैनियल गोलमैन ने ये वाला कॉन्सेप्ट दिया, और फिर उसने कैरेक्टरिस्टिक्स दी इमोशनल इंटेलिजेंस की. अब हम लोग कुछ थ्योरीज को डिस्कस कर लेते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस किस तरह से बनती है. अभी हम लोगों ने जब गार्डनर की थ्योरी डिस्कस की थी इंटेलिजेंस की, उसमें भी एक कॉन्सेप्ट था जो नवीद ने क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है, जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड था, तो वो भी इससे सिमिलर है. आप इस चीज को भी मेंशन कर सकते हो कि ये जो गोलमैन ने दिया, इट वॉज नॉट एन एंटायरली न्यू कॉन्सेप्ट, उसने सिर्फ कॉइन किया नाम इमोशनल इंटेलिजेंस का. इट इज काइंड ऑफ लिंक टू गार्डनर्स गार्डनर्स पर्सनल इंटेलिजेंस. ठीक है, तो एक सिमिलैरिटी इमोशनल इंटेलिजेंस की उसके साथ है, लेकिन एक डिफरेंस भी है, ठीक है. तो डिफरेंस में यू कैन डिस्कस के पर्सनल इंटेलिजेंस जस्ट फोकसेस ऑन योर इंटरेक्शंस विद अदर्स, लेकिन जो इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल क्वोशेंट जो होता है, इट रिकग्नाइजेज इमोशनल स्टेट्स, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके जो इमोशन से लिंक्ड है, इमोशन से लिंक्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में इस थ्योरी में बात होती है, ठीक है, रेगुलेट करना है इमोशंस को. तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, इट इज अ रिलेटिवली ब्रॉडर कॉन्सेप्ट. तो अब हम थ्योरीज की तरफ आते हैं. सबसे पहली थ्योरी तो हमने गोलमैन की डिस्कस की है, जो हमने गोलमैन की सारी डेफिनेशन में डिस्कस की है ना, आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो एज गोलमैन इमोशनल इंटेलिजेंस परफॉर्मेंस मॉडल.
परफॉर्मेंस मॉडल, तो उसने जो बेसिकली जो सब स्केल्स दिए ना फोर कैपेबिलिटीज के साथ, तो वो सब स्केल्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि उसने कुछ सब स्केल्स दिए कि इमोशनल अवेयरनेस इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, इमोशनल सेल्फ कंट्रोल, अडेप्टेबिलिटी, ठीक है, उसने कहा कि अडेप्टेबिलिटी आप किस तरह से न्यू सिचुएशंस के साथ अडेप्ट करते हो। ये वाली अब हम थ्योरी पे आ गए हैं, पहले हमने गोलमैन की बातों को सिर्फ डिस्कस किया टू एक्सप्लेन इमोशनल इंटेलिजेंस, अब हम इसको एज थ्योरी मेंशन कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में दो तरह से सवाल आते हैं, एक आता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन IQ एंड EQ, अगर तो ये आ जाए तो फिर आप उसकी जो गोलमैन की डेफिनेशन है आप सिर्फ उसी को इस्तेमाल करते हुए यू कैन एक्सप्लेन द डिफरेंस, और अगर पूरा का पूरा 20 मार्क्स का सवाल आ जाए तो आप उसको थोड़ा सा लंबा करके आप उसको थ्योरी फॉर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है। एम्पथी, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, अगर कोई मैनेजर या ऑर्गेनाइजेशनल लीडर की बात हो रही है तो हम उसमें ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस की भी बात कर सकते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें इमोशनल इंटेलिजेंस में आ जाती हैं। वैसे इसके ऊपर सवाल बहुत कम आता होता है, लेकिन अगेन क्योंकि आई थिंक एक ही दफा आया हुआ है तो इसको डिस्कस कर लेना फिर बेहतर है। फिर एक और थ्योरी है इमोशनल इंटेलिजेंस की, इसमें तीन रिसर्चर्स हैं बेसिकली, मेयर, सलोवी एंड कैरूसो, इसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस एबिलिटी मॉडल। ये छोटी सी है, सिंपल सी है, उसमें इन लोगों ने बेसिकली फोर ब्रांचेस डेवलप की, आप अगर ये तीनों नाम नहीं ना याद रहते तो यू कैन राइट मेयर एंड हिज कॉलीग्स या मेयर एट ऑल, ठीक है, तो तीनों नाम मर्जी है याद रख सकते हो तो याद रख लो। अच्छा, इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस की इन्होंने तीन चार ब्रांचेस दी जो अगेन पिछलों से सिमिलर है, योर एबिलिटी टू परसीव इमोशन, ठीक है, योर एबिलिटी टू यूज इमोशंस टू फैसिलिटेट योर थॉट्स, फैसिलिटेट थॉट्स, योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इमोशंस एंड मैनेज इमोशंस, ठीक है, तो इसमें भी पिछली वाली थ्योरी से कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग है, लेकिन ये अपने पास लिख लें इन केस कभी आपको जरूरत पड़ जाए एग्जाम में थ्योरीज को यूज करने की, और थोड़ा थोड़ा इनको एक्सप्लेन कर दें कि इमोशनल परसेप्शन का क्या मतलब है, कि जो इंसान के इमोशंस होते हैं उनको परसीव करना, यानी अगर किसी का फेशियल एक्सप्रेशन है तो उसको समझना, नॉन वर्बल इमोशनल एक्सप्रेशन, ठीक है, कि आप सिर्फ एक्सप्रेशन से या अपनी बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये सारा परसेप्शन में आ जाता है, टू बी एबल टू कम्युनिकेट इमोशंस विद योर फेस एंड योर वॉइस, ठीक है, वॉइस वाला वर्बल में आ गया, फेस वाला नॉन वर्बल में आ गया, ठीक है। फिर ये जो दूसरी वाली ब्रांच है यूजिंग इमोशंस टू फैसिलिटेट योर थिंकिंग, कि आप अपनी खुद के इमोशंस यूज करें टू थिंक, ठीक है, ये हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर थिंकिंग, ठीक है। फिर तीसरी ब्रांच अंडरस्टैंडिंग इमोशंस की है, कि आप अपने इमोशंस को एनालाइज कर सकें, अपने इमोशंस को उनके बारे में अवेयर हों, डिस्क्रिमिनेट कर सकें बिटवीन डिफरेंट फीलिंग्स, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को लेबल कर सकें। कभी होता है ना कि आपको कोई गुस्सा चढ़ा हो या आप कोई फीलिंग से गुजर रहे हो जो कैंट इवन अंडरस्टैंड के मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। फिर और फिर जो चौथी थी सेल्फ मैनेजमेंट वाली ब्रांच, उसमें इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, कि किस तरह से वो अपने इमोशंस को मैनेज करता है, एक्सप्रेस करता है, बहुत ज्यादा अपने जो एंग्री इमोशंस है उनको भी एक्सप्रेस कर देता है या फिर सिचुएशन के हिसाब से एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो ये कुछ दो थ्योरीज हैं, इनके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है या इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा जो सवाल आता है ना वो IQ और EQ की डिफरेंस पे आता है, ठीक है। तो एक ये चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, और बाय द वे एक और चीज भी, एक स्केल होता है जो इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करता है, ठीक है, इन्होंने ये स्केल बनाया था, तो उस स्केल को कहते हैं मेयर सलोवी कैरूसो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट, मेयर सलोवी क्रूसो
इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है, इस तरह इसको अब्रीविएट करके लिखा जाता है। इसमें जो है ना, ये जो चारों कॉम्पोनेंट्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, उनको उसमें कोई टास्क दी जाती है और उनको फिर इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर किया जाता है, ठीक है। और फिर एक और भी, अगर कोई लिखना चाहे, एक और भी इन्वेंट्री होती है, ESCI, इसका फुल फॉर्म है इमोशनल एंड सोशल कॉम्पिटेंस इन्वेंट्री, सोशल कॉम्पिटेंस इन्वेंट्री। ठीक है, और फिर एक और भी आप लोग चीज ऐड कर सकते हो अपने पास कि EQ को क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इन्हीं सारी जो थ्योरीज में हमने बात की है, तो इन्हीं को आप जो है थोड़ा सा लंबा करके एक्सप्लेन कर दो कि किस तरह से आप परसेप्शन ऑफ इमोशंस को इम्प्रूव कर सकते हो बाय बिल्डिंग योर स्किल्स, एनालिसिस स्किल्स या रीजनिंग स्किल्स, ठीक है, कि आप दूसरों के ऊपर, दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सको बाय बिकमिंग मोर ओपन माइंडेड। आप समझ सकते हो सिचुएशंस को, ठीक है, आप लोगों के साथ एम्पथाइज कर सकते हो, ठीक है। फिर एम्पथी को भी किस तरह से हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय बाय बीइंग एबल टू पुट योरसेल्फ इन समबडी एल्सेस शूज, ठीक है, कंसिडरिंग हाउ अदर पीपल आर फीलिंग, तो आप एम्पथी को भी अपनी इंक्रीज कर सकते हैं। और फिर जस्ट बाय फोकसिंग ऑन हाउ यू फील एंड टेकिंग अ मिनट टू थिंक अबाउट हाउ यू फील एंड इंक्रीजिंग योर सेल्फ अवेयरनेस, आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। कुछ लोग जर्नल्स लिखते हैं अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को या अपनी सेल्फ अवेयरनेस के बारे में सोचने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो एक आप यहाँ पे छोटी सी हेडिंग बना लें, इम्प्रूविंग या हाउ टू इम्प्रूव इमोशनल इंटेलिजेंस या टेक्निक्स टू इम्प्रूव इमोशनल इंटेलिजेंस, और उसमें यही थ्योरीज जो हमने ऊपर लिखी हैं उनको आप इस फॉर्म में लिख दो, एक टेक्निक की फॉर्म में लिख दो, तो वो आपकी एक और ये वाली चीज भी आ जाएगी। फिर हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि हाउ टू मेजर इमोशनल इंटेलिजेंस, या जो हमने असेसमेंट वाला चैप्टर पढ़ा था, असेसमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस या साइकोमेट्रिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, इस तरह की कोई हेडिंग डाल दें, ठीक है। अब हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो असल हमने डिस्कस करना है यहाँ पे, वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन EQ एंड IQ। सबसे पहले EQ इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, IQ इंटेलिजेंस कोशेंट होता है, ठीक है। अभी हम IQ का फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस में आपकी इमोशनल कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, कॉम्पिटेंसी या एबिलिटी कह लो, ठीक है। लेकिन यहाँ हम इंटेलिजेंस क्वेश्चन में आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी, योर एबिलिटी टू थिंक, और फिर इसको आप जो है ना, जो पीछे हमने डेफिनेशंस पढ़ी है ना, उनसे थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड भी कर सकते हो। मैं आपको बस बेसिक बातें बता रही हूँ। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस में अगेन जो हमने डेफिनेशन में पढ़े थे कि योर ability to identify your emotions, control, manage, use your emotions, ठीक है, तो ये सारे EQ में आ जाते हैं। और IQ में आपकी जो cognitive abilities हैं, memory, attention, information processing, knowledge, reasoning, analysis, ठीक है, ये सारा IQ में आ जाता है, ठीक है। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस अफेक्ट किस चीज को करती है, इंसान की पूरी लाइफ को, उसकी मोटिवेशन को अफेक्ट करती है, उसके इवन रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करती है, उसके सोशल रिलेशनशिप्स को, पर्सनल रिलेशनशिप्स को, ठीक है, उसके सेल्फ कंट्रोल को, उसके सेल्फ एक्सप्रेशन को, सेल्फ अवेयरनेस को, हर चीज को अफेक्ट करती है। तो अगेन ये मैं आप लोगों को कोई न्यू बातें नहीं बता रही हूँ, पिछली बातों से ही बस एक्सपैंड कर रही हूँ डिफरेंस के अंदाज में, ठीक है। और फिर IQ जैसे हमने पहले डिस्कस किया, आपके एकेडमिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है या आपकी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, या लॉजिकल थिंकिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, गेटिंग ए जॉब, करियर के लिए IQ इम्पॉर्टेंट है, करियर के लिए EQ भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चंद डिफरेंसेस हो गए इमोशनल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यू कैन एक्सप्लेन दीज ऑल्सो। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है।
और फिर इसके साथ लिंक कर लेते हैं। पहले आप लोग मुझे बताओ, कुछ जहन में आ रहा है कि व्हाई इज इमोशनल इंटेलिजेंस इम्पोर्टेंट फॉर सिविल सर्वेंट्स? अगेन, इसमें हम कोई न्यू बात नहीं पढ़ेंगे, जो अभी तक पढ़ा है उसको बस अप्लाई कर देंगे। कि कुछ भी जहन में नहीं आ रहा नवीद? किसी और के जहन में कुछ आ रहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस, योर एबिलिटी टू रेगुलेट योर इमोशंस, किस तरह से वो एक ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन के लिए इम्पोर्टेंट है? भाई, एक जो ब्यूरोक्रेट होता है या सिविल सर्वेंट होता है, बेसिकली मैनेजर होता है, लीडर होता है, और क्या करता है? टीम वर्क करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, ठीक है, स्ट्रेस से डील करता है, ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, वेरी गुड अली। अपने खुद के पर्सनल स्ट्रेसेस भी होते हैं, फिर आपके वर्क रिलेटेड स्ट्रेसेस भी होते हैं, फिर सिविल सर्वेंट डील्स डायरेक्टली विद द पीपल, ठीक है। और क्या हो सकता है? और कुछ जहन में आ रहा है? तो जो सारी की सारी जॉब्स होती हैं या जो टास्क होते हैं एक सिविल सर्वेंट के, aren't they all related to emotional intelligence also? Managing work with personal life, work life balance, ये तो हर किसी की फील्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप एक एक लाइन सब में डाल सकते हो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी सिविल सर्वेंट का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, सिविल सर्विस का, ठीक है। तो इस तरह जस्ट ब्रेनस्टॉर्म के सिविल सर्विस में क्या क्या होता है, उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज या रोल्स हैं, ठीक है। और फिर आप उसको लिंक कर दो इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ। फॉर एग्जांपल, स्ट्रेस टॉलरेंस से स्टार्ट करें कि किस तरह से आपने स्ट्रेस के साथ किस तरह से स्ट्रेस को मैनेज करना है, रिएक्ट कैसे करना है, एक्सप्रेशन ऑफ द स्ट्रेस, इमोशनल एक्सप्रेशन, या खुद की इम्पल्सिस को किस तरह से कंट्रोल करना, इम्पल्स कंट्रोल, ठीक है, टेकिंग द राइट actions at the right time, avoiding distractions, आप किस तरह से control करते हैं situations को, ठीक है। फिर optimism भी यहाँ पे link कर सकते हैं, the importance of optimism for a civil servant, ठीक है। फिर leadership के साथ भी इसको link कर सकते हैं कि a good leader is someone who can manage the team, ठीक है, जो टीम के इमोशंस होते हैं या टीम में टीम मेंबर्स के जो स्ट्रेसेस होते हैं उनको मैनेज करना, ठीक है। तो अगर तो किसी को इस क्वेश्चन में मुश्किल हो रही है ना, बेसिकली तो जो हमने अभी तक सब कुछ पढ़ा उसको एक एक दो दो लाइंस में आपने अप्लाई कर देना। यहाँ पे कोई 10 मार्क्स का इस पे सवाल आ सकता है, आई थिंक पास्ट पेपर्स में 2016 से पहले आया हुआ है। और ये जहन में रखें कि जो प्री 2016 वाले सवाल है ना, वो आपने उनकी इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। वैसे ये वाला कॉन्सेप्ट वैसे इम्पोर्टेंट था समझने के लिए, क्योंकि सीएसएस में भी आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि सीएसएस करते हुए भी व्हेन यू प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस वो भी एक स्ट्रेसफुल सा आपकी लाइफ का एक फेज होता है। लेकिन जो प्री 2016 क्वेश्चंस है ना, उनकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि तब जो साइकोलॉजी था ना वो 200 मार्क्स का था, और जब 200 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है तो जाहिर है बहुत ज्यादा माइन्यूट होके भी सवाल पूछते हैं। लेकिन 100 मार्क्स के सब्जेक्ट में 14 चैप्टर्स हैं ऑलरेडी उनके पास, तो उनके पास ज्यादा जो है ना फिर ब्रॉड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन ये सवाल इम्पोर्टेंट था डिस्कस करना, तो हमने इसको डिस्कस कर लिया। यहाँ पे एक और भी हेडिंग जहन में आई, एम्पथी की। ये भी सिविल सर्वेंट की टास्क है कि वो एम्पथाइज कर सके लोगों के साथ, ठीक है, के लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ सके, उनके लिए सॉल्यूशंस निकाल सके। और फिर आप इस चीज को थोड़ा सा लिंक कर सकते हो कि सिर्फ आईक्यू इम्पोर्टेंट नहीं है सिविल सर्वेंट्स के लिए, ठीक है। जैसे आईक्यू में आ जाते हैं ना कुछ लॉजिकल स्किल्स, तो अगर इंसान के पास ये वाली लॉजिकल या रैशनल थिंकिंग की स्किल्स हो या प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स हो, लेकिन उसके पास एम्पथी ना हो, तो दैट डजंट मेक अ गुड सिविल सर्वेंट। तो आप डिस्कस कर सकते हैं कि बोथ आईक्यू एंड ईक्यू आर इम्पोर्टेंट, बट ईक्यू इज just as important as IQ, because jo public administration hai ya the civil service hai, it's very public oriented, it's people oriented, you're dealing directly with the people, theek hai. Phir agar aapko isko thoda aur lamba karna ho to aap isme ek aad example de sakte ho, ke covid ke time ki example de sakte ho. covid-19 mein jab itne sakht halaat chal rahe the aur civil servants ne, administrators ne
जब प्रॉपर एसओपी और जो स्टेट के रिसोर्सेज मॉनेटरी रिसोर्सेज हम उनको सही जगह पे इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जस्ट थिंक अबाउट कि क्या क्या रीजंस हैं कि व्हाई इज इमोशनल इंटेलिजेंस इम्पोर्टेंट और इवन मोर इम्पोर्टेंट देन आईक्यू। ठीक है, और उसको एक दो लाइंस में सारा एक्सप्लेन कर दो और लिंक कर दो कि जो, और ये भी आप लोग थोड़ी सी अपनी वैसे जनरल नॉलेज या सिविल सर्विस के बारे में भी आप लोग लिंक कर सकते हो कि किस तरह से पीपल और स्टेट के दरमियान क्या लिंक है। ठीक है, स्टेट उनको सर्विसेज कैसे, सर्विस डिलीवरी कैसे करती है थ्रू सिविल सर्वेंट्स, राइट? तो इस वजह से सिविल सर्वेंट्स का एम्पथाइज करना, बीइंग एबल टू शो कंपैशन टुवर्ड्स पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अच्छा, वी हैव ये भी कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं इंटेलिजेंस असेसमेंट से रिलेटेड, ये कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कंप्लीट, तो उसको नेक्स्ट टाइम ही करेंगे। अच्छा जी, एक आप लोगों के सिलेबस में एक टॉपिक है असेसमेंट ऑफ असेसिंग इंटेलिजेंस। हमने अभी तक थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस कर ली, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, आईक्यू ईक्यू, उनके डिफरेंसेस, इंपॉर्टेंस ऑफ ईक्यू। आईक्यू की इंपॉर्टेंस तो एक बहुत बेसिक सी सिंपल सी बात है ना, लेकिन ईक्यू की इंपॉर्टेंस डिस्कस करना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। और फिर असेसिंग इंटेलिजेंस, असेसिंग का मतलब असेसमेंट यानी टेस्टिंग इंटेलिजेंस। ठीक है, साइकोमेट्रिक्स और इंटेलिजेंस का क्या ताल्लुक है, ब्रीफली हम लोगों ने अभी पहले भी डिस्कस किया। जैसे ये एक टेस्ट है बच्चों के लिए, वेचलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रेन। ठीक है, विस्क इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें बच्चे बेसिकली फॉर एग्जाम्पल ये डिफरेंट ब्लॉक्स दिए हुए हैं, जैसे मैं टेस्टिंग वाले चैप्टर में बता रही थी ना, तो एक एग्जाम्पल भी देख लो कि अब इन ब्लॉक्स को यू नीड टू पुट देम टुगेदर कि ये वाली पिक्चर बन जाए। ठीक है, फिर एक और टाइप ऑफ टेस्ट होता है जिसको कहते हैं स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, इसमें कुछ इस तरह के टास्क होते हैं कि कंप्लीट एनालॉजीज, फायर इज हॉट, हाइस इज आइस इज व्हाट। ठीक है, ऑप्शंस होंगे आपके पास डिफरेंट। ठीक है, फिर कुछ सिंपल से वर्ड्स को डिफाइन करना। ठीक है, फिर जाहिर है बच्चों के जो क्वेश्चंस होते हैं आईक्यू के वो काफी आसान होते हैं एज कंपेयर टू एडल्ट। ठीक है, लेकिन दिस इज जस्ट टू गिव यू अ क्विक आइडिया कि किस तरह से इंटेलिजेंस का पता कैसे चलता है कि ये बंदा इंटेलिजेंट है या नहीं। ठीक है, तो अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को भी बल्कि डिस्कस कर लें कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो बनना कितना स्टार्ट हुआ, और बाय द वे ये एक और इंटेलिजेंस टेस्ट है जो एडल्ट के लिए होता है। ठीक है, इसमें फॉर एग्जाम्पल अरिथमेटिक रीजनिंग, बेसिक जो आपकी अरिथमेटिक्स है या एबिलिटी है उसको डिस्कस किया जाता है, उसके ऊपर सॉरी एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, वोकैबुलरी बेसिक कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स, ठीक है, और जनरल नॉलेज के, इटली का कैपिटल क्या है या किसी कंट्री का कैपिटल क्या है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, जी नवीद बिल्कुल, इंटेलिजेंस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी मेजर्ड। ये मैंने यहाँ पे दो टेस्ट का भी नाम लिख के बताया था। आप क्लास में नहीं थे क्या? ये वाले दोनों टेस्ट इनको गूगल कर लेना, इनके फुल फॉर्म्स को। ठीक है, ये तो यहाँ लिखा भी हुआ है और ये वाला इन रिसर्चर्स के नाम से बनता है। ठीक है, खैर वापस आ जाओ, हम लोग हिस्ट्री डिस्कस करने लगे थे और इंटेलिजेंस टेस्ट के, ये इंटेलिजेंस टेस्टिंग ये कॉन्सेप्ट शुरू कहाँ से हुआ, उसकी बेसिक सी, वैसे तो काफी लंबी हिस्ट्री है लेकिन बेसिक सी हिस्ट्री स्टार्ट डिस्कस कर रहे थे कि 1904 की फ्रांस की बात है, जब अल्फ्रेड बिने इसने एक इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कुछ बच्चे उनके स्कूल में रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे थे, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री में बंदा काम करता था, तो इसने एक टेस्ट बनाया इस चीज को एनालाइज करने के लिए कि बच्चों की रीजनिंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनकी इंटेलिजेंस और उनकी जो डिफरेंस है एबिलिटीज में
हाउ इज दैट डिफरेंट एंड इज इट एक्चुअली डिफरेंट, या फिर ये टीचर्स की गलती है. ठीक है, तो उसने इस तरह से प्रॉपर एक इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया. ठीक है, जो अभी हम लोगों ने ये वाला टेस्ट डिस्कस किया ना, अल्फ्रेड सॉरी स्टैनफर्ड बिने वाला, तो ये एक बंदा बाद में आया था स्टैनफर्ड, तो उन दोनों ने फिर इस टेस्ट को मिलके बनाया था. जो बिने ने 1904 में बनाया था वो तो एक बहुत बेसिक सा टेस्ट था. ठीक है, फिर एक डेफिनेशन अपने पास लिख लो कि किस तरह से जो मेंटल एज है और क्रोनोलॉजिकल एज है वो किस तरह से बन कट्ठे मिलके कैलकुलेट की जाती है आईक्यू. आई डिड राइट द डेफिनेशंस, कहाँ गई है डेफिनेशंस? ये वाली, जस्ट गिव दिस अ क्विक रीड लेटर ऑन. ठीक है, कोई मुश्किल बातें नहीं है. और फिर अभी वाले जो इंटेलिजेंस टेस्ट हैं, जो आज इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, उनके आपको चंद के नाम भी बताऊं तो काफी है. जैसे अभी हम लोगों ने वेस डिस्कस किया, विस्क डिस्कस किया. ठीक है, तो इसमें आपको बस चंद बेसिक्स लिख दो के बच्चों के अंदर किस तरह से पिक्चर कंप्लीशन हो सकती है, या ब्लॉक डिजाइन हो सकता है, और एडल्ट के अंदर किस तरह से कॉम्प्रिहेंशन फॉर एग्जाम्पल किस तरह टेस्ट होती है. ठीक है, एक दो बस एग्जाम्पल्स लिख दो तो काफी है. ठीक है, इसके ऊपर भी फुल फ्लेज सवाल नहीं आता, लेकिन इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि इंटेलिजेंस मेजर किस तरह से होती है. और फिर जो हमारा पिछला चैप्टर था साइकोमेट्रिक्स और टेस्टिंग वाला, उसके साथ भी आप इसको रिलेट कर सकते हो कि टेस्ट व्हाट इज अ गुड इंटेलिजेंस टेस्ट. ठीक है, टेस्ट की वैलिडिटी, रिलायबिलिटी. ठीक है, तो यू कैन रिलेट दिस विद दैट चैप्टर ऑल्सो. ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने एक क्विक सी समरी कर लेते हैं और फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं. हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, इंटेलिजेंस की डेफिनेशन से स्टार्ट किया था. ठीक है, फिर उसकी कुछ थ्योरीज की थी, उसमें हमने गार्डनर की थ्योरी की थी जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ी थी. उसको बार बार पढ़ोगे तो आप लोगों को वो बातें याद भी हो जाएंगी, कोई मुश्किल बातें नहीं थी. फिर स्पीयरमैन वाली डिस्कस की थी जिसमें जी और एस फैक्टर डिस्कस किया था. स्टर्नबर्ग रॉबर्ट स्टर्नबर्ग पूरा नाम था उसमें, उसकी एनालिटिकल क्रिएटिव प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को डिस्कस किया था. ठीक है, फिर अभी हम लोगों ने मेजरिंग इंटेलिजेंस की बात की है कि हाउ इज इंटेलिजेंस असेस्ड मेजर्ड टेस्टेड. तो उसमें हम लोगों ने बिनेज मेंटल एबिलिटी टेस्ट उसकी बात की, हमने फिर स्टैनफोर्ड बिने की बात की, स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट की बात की जिसकी आप लोगों ने एग्जांपल भी ली, और फिर आईक्यू का वो जो मैंने आपको कहा है कि ये पढ़ लेना, उसका फॉर्मूला भी अपने पास लिख लो कि जो आपकी मेंटल एज होती है डिवाइडेड बाय योर क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100. दिस इज द फॉर्मूला जो स्टैनफोर्ड बिने अपने टेस्ट पे लगाते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द आईक्यू. ठीक है, लेट्स से किसी की मेंटल एज थी, सॉरी किसी की क्रोनोलॉजिकल एज थी 15 years. ठीक है, स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट से उसकी मेंटल एज कैलकुलेट की गई कि मेंटली वो किस लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे है. लेट्स से वो 10 पे है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो उस इंसान की आईक्यू. ठीक है, फिर आप इस चीज को क्वालिटी ऑफ टेस्ट से भी डिस्कस कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ असेसमेंट, और फिर जो हम लोगों ने रिलायबिलिटी वैलिडिटी के कॉन्सेप्ट पढ़े थे या स्टैंडर्डाइजेशन कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे अपने पिछले चैप्टर में, उसके साथ लिंक कर सकते हो. ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने सोशल साइकोलॉजी वाले चैप्टर के ऊपर. लेट्स टेक अ 2 minutes ब्रेक. अजान क्लास के बीच में नमाज ब्रेक ना बहुत मुश्किल है, 2 मिनट की ब्रेक ले लें, पानी वगैरह पी लें, और फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे. अगर 5 मिनट की भी ब्रेक दे दी फिर हमारी क्लास तो फिर ज्यादा टाइम हो जाएगा ना. चलो 2 मिनट में पानी वगैरह पी के वापस आओ, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं.
टेस्टिंग का हमारा एक कॉन्सेप्ट रहता है अली, असेसमेंट वाला. विल डू दैट नेक्स्ट वीक. या मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड करना है, दो तीन चैप्टर्स का इकट्ठा, उसका भी जैसे मुझे टाइम मिलता है ना, तो वो फिर मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ. और फिर हमारा एक का कॉन्सेप्ट रहता है असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के, उसके क्या डिफरेंट टेस्ट होते हैं. हम लोगों ने एक थ्योरी करनी है इमोशंस की, लैजरस थ्योरी ऑफ इमोशंस. ठीक है, इमोशंस की आप लोगों को थ्योरी सारी रिवाइज भी करवा दूंगी. कुछ लोगों को आई एम श्योर मुश्किल लग रही होंगी. जब मैंने पहली दफा पढ़ी थी, मुझे भी उन थ्योरीज ने काफी तंग किया था. तो आई एम अज्यूमिंग के आसान लग रही है, मुश्किल लग रही है. ठीक है, ना रिवाइज कराऊं फिर? करवा दें, ठीक भी है लेकिन करवा भी दें. चलो कर लेंगे रिवाइज, नो वरीज. आपको किसने कहा नवीद साइकोलॉजी में थ्योरीज नहीं होंगी? हर सोशल साइंस में थ्योरीज होती हैं. साइकोलॉजी में तो ना देखो, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स हैं, ठीक है, और फिर उसके नीचे थ्योरीज आ जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो हमने आज इंटेलिजेंस की थ्योरीज पढ़ी हैं, उनको भी हम लोगों ने पर्सपेक्टिव्स के साथ जाके लिंक किया. और इसलिए मैंने पर्सपेक्टिव्स के ऊपर कोई दो तीन लेक्चर स्पेंड कर दिए थे. हालांकि इट वॉज लाइक हाफ ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, तो उसके ऊपर मैंने इतना टाइम स्पेंड किया था ताकि आप लोगों को बात बड़ी मुश्किल ना लगे. तो थ्योरीज मुश्किल लग रही हैं उनमें, व्हाट्स द इशू? नाम याद करने में प्रॉब्लम होती होगी कि स्टर्नबर्ग ने क्या कहा था, गार्डनर ने क्या कहा था. इजी है, याद नहीं होती. हाँ, साइकोलॉजी में ये वाली चीज है कि वट एवर यू आर स्टडिंग वो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड होता है. तो मुझे तो साइकोलॉजी सबसे पहले अट्रैक्ट इसी वजह से की थी कि जैसे हम लोगों ने आज भी इंटेलिजेंस का चैप्टर पढ़ा है, इसमें कुछ ना कुछ आपके खुद के आपको एहसास होता है कि हर कोई इंटेलिजेंट होता है. अगर किसी की आर्ट ज्यादा अच्छी है, वो भी इंटेलिजेंट है. तो साइकोलॉजी में आके हमने एक्चुअली साइंटिफिकली स्टडी किया, बिकॉज रिमेंबर साइकोलॉजी इज अ साइंस. तो हमने साइंटिफिकली स्टडी किया कि हाँ, वाकई जो लोग सिर्फ उनकी आर्ट की या उनकी पेंटिंग की कोई एबिलिटीज अच्छी होती है, इवन डांसर्स, वो भी इंटेलिजेंट है. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. और अगर आपको कभी जरूरत पड़े ऐसे में इस तरह के कॉन्सेप्ट की, तो आप साइकोलॉजी से चीजें उठा सकते हो. फिर अभी हम लोग आज जब सोशल साइकोलॉजी स्टार्ट करने लगे हैं, उसमें हम ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, सोशल फैसिलिटेशन, ये किस तरह से अगर आपको कोई देख रहा हो, कोई ऑब्जर्व कर रहा हो, तो आपकी परफॉर्मेंस खराब होती है या अच्छी होती है, तो उसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है. फिर एट्रीब्यूशन के, हम किस तरह से अब दूसरों के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं. लेट्स से कोई एग्जाम में फेल हो गया, कोई सीएसएस में आपका कोई दोस्त फेल हुआ, तो आप उसको किस तरह से सोचेंगे, नहीं यार इसकी तो तैयारी अच्छी नहीं होती. और अगर आप खुद फेल हो, तो आप अपने आप को फेल होने के आप उसको एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ रिलेट करेंगे कि नहीं ये तो जो एग्जामिनर था ना, उसने मुझे अच्छे मार्क्स नहीं दिए. एज कम्पेयर टू अगर कोई और फेल हुआ, तो आप कहेंगे उसकी खुद की तैयारी अच्छी नहीं थी. तो हम किस तरह से चीजों को एट्रीब्यूट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, सोशल साइकोलॉजी में हम ये भी पढ़ेंगे. फिर कन्फॉर्मिटी एक एक्सपेरिमेंट था जो अभी हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन ब्रीफली उसका बता दूं कि उसमें जो है ना, रिसर्चर ने इस तरह से लाइन्स दिखाई. ठीक है, आपको साफ नजर आ रहा है कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन ये सबसे लंबी है इन सब में से. लेकिन उस रिसर्चर ने ना पास अपने बंदों को भी बिठाया हुआ था, और क्योंकि सब लोग कहना शुरू हो गए कि नहीं ये वाली लाइन बड़ी है, तो ये तो एक छोटा बच्चा भी बता सकते हैं कि कौन सी लाइन बड़ी है. लेकिन सबने कन्फर्म किया और कहा कि हाँ जी ये वाली ही लाइन बड़ी है, इवन दो दिस लाइन इज क्लियरली बिगर. ठीक है, फिर ओबीडियंस के बारे में भी हम कुछ बात करेंगे. एल्ट्रुइज्म, व्हाई डू पीपल हेल्प. ठीक है, क्या उनके हेल्प करने के पीछे कोई सेल्फिश मोटिव्स होते हैं कि सोसाइटी उनको रिवॉर्ड करेगी इसलिए वो हेल्प करते हैं. ठीक है, फिर आप लोगों को याद होगा एक मीनारे पाकिस्तान वाला जो हमारे यहाँ वाकया हुआ था कुछ मंथ्स पहले, याद है किसी को? जिसमें कोई 300-400 लोग थे जो देख रहे थे, और एक लड़की के साथ पता नहीं कोई बदतमीजी करके चला गया. किसी को बोला पूरा इवेंट डिटेल में याद है? टिकटॉकर, हाँ. तो उसमें ऐसा क्या था, इतने ढेर सारे लोग थे कि किसी ने भी हेल्प नहीं की, उन्होंने हेल्प क्यों नहीं की. हम लोग ये वाले कॉन्सेप्ट को भी आज पढ़ेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि इतने ढेर सारे लोग होने की वजह से एक कॉन्सेप्ट है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी.
है, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ्यूज हो गई, किसी को किसी एक बंदे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही तो लोगों ने हेल्प भी नहीं की। फिर एटीट्यूड्स किस तरह फॉर्म होते हैं, एटीट्यूड के क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं, एटीट्यूड थिंकिंग से कैसे रिलेटेड होता है। तो अगेन इसमें जाहिर है हम थ्यूरीज भी पढ़ेंगे क्योंकि ये भी बातें नहीं है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आप लोग को ये है, नवीद आप भी कह रहे हो कि थ्योरीज याद नहीं रहती, तो हर थ्योरी हर चैप्टर के ना वन पेजेस बना लो जिसपे सारी की सारी थ्योरीज हों, ठीक है? तो उसमें आई एम श्योर दैट विल हेल्प यू आउट। जैसे ये वाले जो मैंने डायग्राम अटैच किए हैं ना, तो अगर आप सिर्फ इस डायग्राम को ही एक वन पेजर बना के अपने पास दीवार पे अपने कमरे के लगा लो, ठीक है, सिर्फ इसका ये वाला पार्ट ऐड कर दो और रिसर्चर का नाम लिख दो, तो आपको थ्योरीज बहुत जल्दी से याद हो जाएंगे। अच्छा, अब हम पढ़ने लगे हैं सोशल साइकोलॉजी। इसकी पहले डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम एक बहुत डिफरेंट एरिया में थे, अब हम एक कम्प्लीटली डिफरेंट एरिया में जाने लगे हैं, ठीक है? तो द फील्ड ऑफ सोशल साइकोलॉजी लुक्स एट बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, जहां तक तो साइकोलॉजी की डेफिनेशन है, ठीक है? तो जो हम लोगों ने बेसिक साइकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, उसको हर जगह पे रिलेट कर लिया करो, ठीक है? तो सोशल साइकोलॉजी में वी रिलेट सोशल बिहेवियर्स एंड मेंटल प्रोसेसेस विद सोशल वर्ल्ड, ठीक है? हमारी जो सराउंडिंग्स हैं वो हमें किस तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं। तो बेसिकली इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ अ पर्सन्स बिहेवियर्स, थॉट्स एंड फीलिंग्स इन्फ्लुएंस एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल ग्रुप्स, ठीक है? जो आपकी सोशल सेटिंग्स हैं वो भी जाहिर है आपका एनवायरमेंट आपको इन्फ्लुएंस करता है एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को, और आपका खुद का बिहेवियर भी तो जाते हैं उस सोशल सेटिंग को या उस सोशल ग्रुप को या द पीपल उनको जाके इन्फ्लुएंस करता, ठीक है? तो अब सबसे पहले सोशल इन्फ्लुएंस को डिस्कस कर लेते हैं कि सोशल इन्फ्लुएंस एक सोशल साइकोलॉजी में एक सब फील्ड है जिसमें हम डिस्कस करते हैं हाउ द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल कैन इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर, फीलिंग्स, थॉट्स, ठीक है? तो सिंपल ये सोशल इन्फ्लुएंस है, नाम से ही वैसे भी पता चल रहा है। अब वो जो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से दूसरे लोगों की जो प्रेजेंस है किस तरह से वो आपको फैसिलिटेट करती है या आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको एक्चुअली इम्पेयर कर देती है, तो एक कॉन्सेप्ट है सोशल फैसिलिटेशन एंड देन देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट सोशल इम्पेयरमेंट। तो नाम से ही पता चल रहा है सोशल फैसिलिटेशन में देयर इज अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, ठीक है? जब लोग आपको देख रहे हो तो एक्चुअली आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है, यू बिकम कॉन्शियस कि अच्छा पीपल आर वॉचिंग मी सो यू परफॉर्म बेटर, ठीक है? Or social impairment is again people are watching you and you actually start performing worst as compared to what you would perform when you're alone, theek hai? Phir uske baad chalo pehle thoda sa isi ko discuss kar lete hain jo social influence mein ye wale dono concepts aa jate hain ki jab task agar to zyada difficult ho jaye तो जो प्रेजेंस ऑफ अदर्स है इट विल मेक योर इट विल डिस्ट्रैक्ट यू, ठीक है? एंड यू वोंट बी एबल टू फोकस ऑन द टास्क दैट वेल, तो आपकी जो सोशल इम्पेयरमेंट हो जाती है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, हम बेसिकली यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है? परफॉर्मेंस किस तरह से बेहतर हो रही है, परफॉर्मेंस और सोशल इन्फ्लुएंस को हम रिलेट कर रहे हैं, ठीक है? एंड इफ द टास्क इज ईजी तो साइकोलॉजी के मुताबिक आप फैसिलिटेट होंगे और आपका आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, एंड इफ द टास्क इज डिफिकल्ट तो यूजुअली सोशल इम्पेयरमेंट होती है, ठीक है? अगेन ये आप अपनी डेली लाइफ से भी एग्जांपल ले सकते हैं, इफ यू नॉट गुड एट पब्लिक स्पीकिंग एंड मेनी पीपल आर वॉचिंग यू तो आप सोशली इम्पेयर हो जाएगी आपकी परफॉर्मेंस, यानी आपकी परफॉर्मेंस पे नेगेटिव व्यू आएगा एज कम्पेयर टू इफ समबडी इज वेरी गुड एट पब्लिक स्पीकिंग, तो जब उसको लोग उसको सुनने आएंगे तो उसकी परफॉर्मेंस एक्चुअली बेटर हो जाएगी, ठीक है? फिर एक और कॉन्सेप्ट है सोशल लोफिंग का, वो आई थिंक यहाँ मैंने लिखा नहीं हुआ लेकिन ऐड कर लो अपने पास, सोशल लोफिंग। सोशल लोफिंग में ये होता है कि पीपल विल एक्सर्ट लेसर एफर्ट एज व्हेन दे आर परफॉर्मिंग अ टास्क अलोन, ठीक है? लेकिन अगर वो दूसरों के सामने कर रहे हैं वो तो थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट डालेंगे, ठीक है? बल्कि इसको ग्रुप्स के साथ भी लिंक किया जा सकता है कि यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने ग्रुप
पर करते हुए नोटिस किया होगा कि जब लोग ग्रुप में काम करते हैं तो वो थोड़ी कम एफर्ट डालते हैं, एज कम्पेयर टू अगर वो अकेले कर रहे होते तो काम अच्छा खासा उन्होंने कर लेना था। ठीक है, तो ये काम क्यों होता है? ठीक है, साइकोलॉजी इस चीज को भी एक्सप्लेन करती है डी इंडिविजुएशन के साथ, लेकिन वो इतना ज्यादा आप लोगों के साथ लिंक इस पॉइंट के साथ नहीं है, तो मैं थोड़ा आगे जाकर बताती हूँ। अच्छा, बाय द वे, जो सोशल लोफिंग है ना, ये कल्चर के ऊपर भी डिपेंड करती है। जैसे कहा जाता है कि जो जापानीज कल्चर या जो चाइना का कल्चर है, उनके बारे में हमारा वैसे भी इम्प्रेशन है कि दे मोर हार्ड वर्किंग। तो जो कलेक्टिविस्ट कल्चर है ना, कलेक्टिविस्ट कल्चर एज कम्पेयर टू इंडिविजुअलिस्ट कल्चर्स, उनमें सोशल लोफिंग कम होती है। ठीक है, और लोग जब ग्रुप में भी काम कर रहे होते हैं तो वो ज्यादा ही एफर्ट करते हैं, बल्कि वो सोशल स्ट्राइविंग करते हैं। ठीक है, दे पुट इन मोर एफर्ट, क्योंकि अब वो कलेक्टिव काम है, पूरे के पूरे ग्रुप का काम है, तो ज्यादा कोऑपरेट करते हैं और ज्यादा अच्छा काम करते हैं। तो सोशल लोफिंग और सोशल स्ट्राइविंग, या आप लोगों को एमसीक्यूज के लिए पता होने चाहिए, इसके ऊपर कोई इस तरह अलग से क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये सोशल इन्फ्लुएंस का पार्ट है तो इसको डिस्कस करना इम्पोर्टेंट था। ये आई थिंक मैंने यहाँ लिखा भी हुआ, सोशल लोफिंग, ये वाला कॉन्सेप्ट कि पीपल हु आर लेजी टेंड नॉट टू डू एज वेल व्हेन देयर अदर पीपल हु आर आल्सो वर्किंग ऑन द सेम टास्क। लेकिन अगर वो अकेले काम कर रहे होते तो अच्छा खासा काम कर लेते। और डी इंडिविजुएशन इसके पीछे एक वजह है कि व्हेन यू आर विद इन अ ग्रुप, तो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी कम हो जाती है, आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि ओवरऑल ग्रुप का काम था। ठीक है, तो सोशल इन्फ्लुएंस में सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया सोशल लोफिंग का, उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था सोशल फैसिलिटेशन और सोशल एम्पावरमेंट का। अब आ जाओ ग्रुप थिंक के ऊपर। ग्रुप थिंक एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें ये है कि जब आप एक ग्रुप में हैं तो आप ज्यादा कोशिश करेंगे कि आप ग्रुप की कोहिसिवनेस मेंटेन करें, और आप अपने फैक्ट्स को इस तरह ज्यादा ज्यादा आप मेंशन नहीं करेंगे। और फिर इसी वजह से जब लोग ज्यादा ग्रुप्स के साथ होते हैं, फ्रेंड्स के साथ होते हैं, टीनएजर्स, तो वो ज्यादा जो है वायलेंट कामों में या एक्सट्रीम कामों में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, बिकॉज देयर विद द एंटायर ग्रुप, तो ये इस फिनोमेनन को ग्रुप थिंक कहते हैं। ठीक है, अगेन ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा क्यों है कि ग्रुप में लोग एक दूसरे को समझाने के बजाय, कि लेट्स से कि गलत काम अगर टीनएजर्स कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को समझाने के बजाय, या कोई एक बंदा तो होगा ग्रुप में जो कहे नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए और बाकी सारे भी उसको कहें हाँ यू राइट ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ग्रुप में वो एक तरह से दे बिकम मोर ब्रेव, और वो फिर जो कंट्रास्टिंग ओपिनियंस हैं वो फिर ग्रुप में डिस्कस ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगेन ग्रुप थिंक एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना। फिर एक और है ग्रुप पोलराइजेशन। दिस इज अ टेंडेंसी फॉर ग्रुप मेंबर्स इन्वॉल्व इन अ ग्रुप डिस्कशन टू टेक समवॉट एक्सट्रीम पोजीशंस, ठीक है, एंड टेक रिस्कियर एक्शंस एज कंपेयर टू इंडिविजुअल्स हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन अ ग्रुप डिस्कशन। या अगर वो काम अकेले कर रहे होते तो शायद इतने रिस्की डिसीजंस ना लेते, या वो इतने रिस्की काम ना करते। तो ये अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, ये वाले जो मैं आपको छोटे छोटे टर्म्स बता रही हूँ ना, ये आप लोगों को एमसीक्यू उसके लिए पता होने चाहिए, इसके ऊपर कोई अलग से 20 नंबर का सवाल नहीं आ जाएगा। जो हमारा सिलेबस में टॉपिक है ना ग्रुप डायनामिक्स, ये वाला जो हिस्सा है उसमें ये वाले सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, ग्रुप पोलराइजेशन का, ग्रुप थिंक का, और ये एमसीक्यूज में आ जाते होते हैं कि कोई वो एक लाइन में सिचुएशन बता देंगे और पूछेंगे कि अच्छा ये किस चीज की एग्जांपल है। ठीक है, सोशल लोफिंग का, तो सोशल साइकोलॉजी को डिवाइड कर लो सोशल इन्फ्लुएंस में और ग्रुप डायनामिक्स में, और फिर ग्रुप डायनामिक्स को आगे से डिवाइड कर लो इन 3-4 कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, अली ग्रुप थिंक दोबारा बता देती हूँ। तो आज स्लाइड जितनी लंबी हो गई, मिल ही नहीं रहा कहाँ पे क्या था। अच्छा, ग्रुप थिंक को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप थिंक के बाय द वे इसके साथ एक नाम भी लिख लें,
इरविंग जैनिस, इसने ये वाला कॉन्सेप्ट दिया था, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है नाम। अच्छा, ग्रुप थिंक की हम बात कर रहे थे कि इट इज द टेंडेंसी फॉर सम ग्रुप्स टू मेक बैड डिसीजंस, ठीक है, डिसीजन मेकिंग इसका सेंट्रल जो है कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि जब ग्रुप मेंबर्स इकट्ठे काम कर रहे होते हैं तो उनकी अगर कोई भी रिजर्वेशंस हो किसी बात पे तो वो रिजर्वेशंस को डिस्कस ही नहीं करते हैं, वो एक कोहेसिवनेस या यूनानिमिटी, यूनानिमस डिसीजन के चक्कर में वो अपने किसी रिजर्वेशंस को या कुछ नहीं कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो कि जो फ्रेंड्स बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं वो अक्सर रिस्की डिसीजंस भी ले लेते हैं जो कि वो अगर अकेले होते तो वो शायद ना लेते, ठीक है। अब डिस्कस कर लेते हैं कंप्लायंस को, एग्जैक्टली ना ऐसा होता है। अब सोशल इन्फ्लुएंस के साथ, अगेन जो हमने सोशल इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन पढ़ी उसी के साथ हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कंप्लायंस का। अच्छा, कंप्लायंस अकर्स व्हेन पीपल चेंज देयर बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ अनदर पर्सन और द ग्रुप आस्किंग और डायरेक्टिंग देम टू चेंज, ठीक है। तो कंप्लायंस अक्सर जब ग्रुप्स में होती है, जो मैंने शुरू में लाइंस वाली एग्जाम्पल दी, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्लायंस, ठीक है। और फिर एक और कॉन्सेप्ट है ओबीडियंस। कंप्लायंस तो हम वैसे ही बात करते हैं ना कि किसी के कोई भी ग्रुप हो, ओबीडियंस तब होती है जब कोई ना कोई अथॉरिटी बीच में शामिल होती है। फिर एक और कॉन्सेप्ट है कंफॉर्मिटी, ठीक है। कंफॉर्मिटी इज ड्यू टू ग्रुप प्रेशर, ठीक है, यू कंफॉर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप, ठीक है। अगर कोई आपको, आपका जो ग्रुप है आपको प्रेशराइज कर रहा हो कि नहीं भाई ये काम इस तरह करना है या ये चीज नहीं करनी है, तो वो जो प्रेशर है आप उस प्रेशर को ले लेते हो। कंप्लायंस इज स्लाइटली डिफरेंट देन कंफॉर्मिटीज, को भी डिफरेंस समझने की जरूरत है। अगेन फॉर एमसीक्यू सोशल साइकोलॉजी से ना एमसीक्यूज आते होते हैं तो उसको थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि जो टर्म्स है वो कुछ ना कुछ सिमिलर लग रही होती है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि कंफॉर्मिटी तो इट्स अ रिजल्ट ऑफ ग्रुप प्रेशर के लोग अपने जो है बिहेवियर्स को या बिलीव्स को चेंज करें टू मैच द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। लेकिन कंप्लायंस में ये होता है कि आप अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं बिकॉज समबडी रिक्वेस्टेड यू, यू चेंज योर बिहेवियर बिकॉज समबडी रिक्वेस्टेड, बिकॉज ऑफ अ रिक्वेस्ट, ठीक है। यानी इसमें यू डोंट, यू आरंट फोर्स्ड, ठीक है। और फिर एक और कॉन्सेप्ट होता है सोशल नॉर्म्स का, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो सोसाइटी हमारे लिए नॉर्म्स वैल्यूज जिन चीजों को हमारे लिए कि लोग क्या सोचते हैं, बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट है। अगेन इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, सिलेबस में लिखा हुआ था तो इस टर्म को हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। अभी कंटिन्यू करें ये वाला चैप्टर के नेक्स्ट टाइम करें, हमारे पास कितने कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं। एटीट्यूड रह गया है, देन वी हैव कॉग्निटिव डिसोनेंस। नवीद, ये वाले कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी के नहीं है, सोशियोलॉजी के। फिर हमारे पास एट्रिब्यूशन थ्योरी रह गया, एट्रिब्यूशन थ्योरी थोड़ा लंबा है उसमें क्योंकि थ्योरीज डिस्कस करनी है, और एक एल्ट्रुइज्म रह गया, तो आई डोंट माइंड डिस्कसिंग देम। चलो इसको रिवाइज कर लेते हैं, जो अभी तक हमने ये वाले तीनों पढ़े हैं ना, conformity, compliance और obedience को, इसको बस quickly revise कर लो कि again conformity हम लोग क्यों करते हैं due to group pressure, compliance is more of a request, ठीक है, you comply with a request, you don't comply with group pressure, ठीक है। अली कह रहे हैं flow बना हुआ है, नवीद कह रहे हैं पाकिस्तान अफेयर्स की क्लास है, अदनान भी कह रहे हैं next time करना है, बाकी सब I think सो रहे हैं। चलो इसको quickly revise कर लेते हैं फिर बाकी next time कर लेंगे। और फिर obedience जो हमने discuss किया, obedience is when an authority demands something from you, ठीक है। और ये वाली जो फिर इसके findings है इसको हम लोग next time discuss करेंगे, अभी सिर्फ इन key concepts को समझ लो, ठीक है। और next time हम लोग class रख रहे हैं, class में revision कर लें, चलो ठीक है, अदान revision ही कर रहे हैं। social psychology में तो अभी हमने कोई बहुत बड़े बड़े concepts नहीं पढ़े, छोटे छोटे आप लोगों को concepts समझाए हैं, ठीक है। इनमें से अगर कोई question है तो मेरे से पूछ लो, अदरवाइज हम फिर क्लास को एंड करते हैं। या इंटेलिजेंस वाले पार्ट से कोई क्वेश्चन है?
तो उसको भी कर लेते हैं। और आप लोगों ने कोई मुझे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके भेजना है तो भेज दो, तो अगर ज्यादा लोगों के क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर मैं उसकी सेपरेट क्लास भी रख सकती हूँ के, ताकि सब लोग बेनिफिट कर सकें दूसरे की गलतियों से। लेकिन अगर चंद लोग ही भेज रहे हैं तो फिर मैं उनको प्राइवेटली ही भेज दूंगी, उनकी मेहनत फिर सबको फ्री में बेचने का क्या फायदा, तो भाई तुमने काम नहीं किया तुम फिर भी इस मेहनत को एंजॉय करो, दैट्स नॉट फेयर। तो आई वुड सजेस्ट के जो चैप्टर आप लोगों को मुश्किल लग रहा है ना, चाहे सिर्फ एक दो क्वेश्चन ही करके भेज दो, ताकि आप लोगों के कोई अटेम्प्टिंग स्टाइल में कोई इश्यूज हैं तो वो अभी से सॉल्व हो जाए। नवीज के बात बहुत पसंद आई है।